नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नौ से गरीब मजदूर के बच्चों का निशुल्क शिक्षा केंद्र में हुआ नामांकन। अंकित शुक्ला ने कहा कि हर गांव में अब शिक्षित बच्चे बनाने का कार्य करेंगे। कुशुम्बी में गरीब और असहाय बच्चों का नामांकन कराने के बाद उन्हें पढ़ने हेतु सामग्री बांटी, उसे पाकर चेहरे खिल उठे। शिक्षा हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, लेकिन आज शिक्षा का आधुनिकीकरण होने के कारण गरीब परिवार के बच्चे ढंग से शिक्षित नहीं हो पाते, क्योंकि अधिकांश बच्चों के माता पिता अनपढ़ होते हैं, ऐसे में पीछे हो जाते हैं। ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद के अध्यक्ष अंकित शुक्ला द्वारा एक नई मुहिम शुरू की गई, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो गरीब बच्चे हैं वह भी पढ़ लिख कर अपने परिवार, गांव, समाज और देश के विकास में सहायक बन सके। इसी उद्देश्य के साथ विकासखंड नवाबगंज के कुसुम्बु में अंकित शुक्ला द्वारा गत 29 अगस्त से गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को निशुल्क उच्च शिक्षा करने के उद्देश्य से खोले गए निशुल्क शिक्षा संस्कार सेवा केंद्र पर उस समय प्रवेश लाने की भीड़ उमड़ पड़ी, जब संस्था के संस्थापक अंकित शुक्ला ने डुगडुगी पिटवा करके घोषणा करवाई कि अशिक्षित इस गरीब ग्रामीण किसान अपने बच्चों का केंद्र पर आकर प्रवेश करवाए, किसी भी गांव का हो वहां तक हमारे अंकित शुक्ला पहुंचकर बच्चों को शिक्षित बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।